बच्चन पांडे, पांडे का तो पता नहीं लेकिन बच्चन वाली सबकी एंट्री हो चुकी है। जैकलिन बोले तो, कीर्ति सेनन बोले तो, अरशद वारसी बोले तो, अभी नया स्टार जी हाँ दोस्तों पंकज त्रिपाठी। मतलब ये एक ऐसा बंदा है ना जिस मूवी में इसकी एंट्री हो जाती है ना भाई, पंकज त्रिपाठी सर की, उस मूवी ना यहाँ से यहाँ हो जाती है। मानो कि वो एक ब्रांड है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का, जिस मूवी में एंट्री बोले तो वो मूवी हिट, और यहाँ तक कि वेब सीरीज में एंट्री हो जाती है तो वो वेब सीरीज बोले तो एक महान वेब सीरीज बन जाती है। तो भाई बच्चन पांडे का खबर यही आई है कि पंकज त्रिपाठी का एंट्री हो चुकी है दोस्तों। तो बोले तो यार पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, ये तीन तीन लोग रहेंगे मूवी के अंदर। बस भाई इतना ही, ये तीन एक्टर ना काफ़ी है मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए। अक्षय कुमार बोले तो बॉलीवुड के गारंटी कुमार, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, बॉलीवुड के स्पीडी कुमार, अरशद वारसी कॉमेडी किंग, पंकज त्रिपाठी एक्टिंग का कीड़ा। तो भाई ये तीन स्टार अगर बच्चन पांडे में हैं तो फिर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है नाइडेट वाले को। बोले तो पैसे जो है ना आँख बंद करके लगा दो, रियल बता रहा हूँ, जितना खर्चा करना है आप आँख बंद करके खर्चा कर दो। ये सारे स्टार कास्ट आप लेके मूवी बना रहे हो, मल्टी स्टार जैकलिन आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास कीर्ति सेनन है न्यू कमर। बोले तो यार ये लोग अभी इंडस्ट्रीज में आके एक अच्छी पहचान बनाई है ये लोग, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, खुल के मेहनत करो और ऑडियंस को परोस दो, ऑडियंस इसको मस्त मक्खन लगा के खा जाएंगे, बोले तो एक्सेप्ट कर लेंगे मूवी को, क्योंकि बोले तो एक ये मूवी एक धमाका करने वाली है दोस्तों। पंकज त्रिपाठी सर को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सुपर। वो बंदा ऐसा है ना दोस्त कि एक्टिंग उनके अंदर ना जितनी तारीफ करो कम है, क्या एक्टिंग करता बंदा यार, दिल छू लेता और सामने वाले ना सिटिया तालियां बजाने पे मजबूर हो जाता है। तो इस बार बच्चन पांडे में सिटिया तालियां अक्षय कुमार के लिए नहीं बजेगी, बजेगी दोस्तों सॉरी यार, अक्षय कुमार के लिए तो हमेशा बजती है दोस्तों, लेकिन इस बार तालियां दो एक्टर जो एंट्री हुई ना अरशद वारसी और पंकज त्रिपाठी की, ये लोग कुछ ज़्यादा ही तालियां बटोर लेंगे, क्योंकि ये लोगों की एंट्री पे ही तालियां बजती है, ऐसा नहीं है ये लोग की एंट्री ऐसी होती है और ये लोग ऐसे लोगों की कॉमेडी टाइमिंग ऐसी है कि तालियां बजाने पे ऑडियंस मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। तो बस भाई इतना ही बोलूँगा, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाना। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।